हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो आज का दिन अभी मैं लंच बनाने से स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग। और लंच में मैं आज कुछ खास बनाने जा रही हूँ। इस साइड में मेरी ये तुरई की सब्ज़ी बन रही है और इस साइड को मैं आज मेरा हस्बैंड मार्केट से फ़िश एग लेकर आए थे, सो उसी का आज मैं करी बनाऊँगी। तो किस तरह से मैं बनाती हूँ उसका रेसिपी आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो पहले जो फ़िश एग है उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा चावल का आटा, नमक और हल्दी, अगर आप मिर्ची डालना चाहते हैं तो मिर्ची भी डाल सकते हैं। देन देख के अच्छे से मिक्स करके उसका इस तरह से पकोड़े बना लेने हैं, फ्राई कर लेना है उनको। और अच्छे से फ्राई कर लेना है बोथ साइड। और उसको फ्राई होने के बाद फिर उसको करी बनाना पड़ेगा। तो किस किस को फ़िश एग पसंद है कमेंट करके बताइएगा मुझे। मुझे तो फ़िश एग बहुत पसंद है, उसको ऐसे ही जस्ट फ्राई करके भी खा सकते हैं, पर मैं आज उसका करी बना रही हूँ। तो उसके बाद जब फ़िश एग फ्राई हो जाए, देन उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेके उसमें थोड़ा सा ज़ीरा का तड़का लगा दीजिए। देन उसमें मैंने थोड़े से पटेटोज काट रखे हैं, उनको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। साथ में उसमें टमाटोज डाल दूँगी। उनको जब अच्छे से थोड़ा फ्राई हो जाए उसके बाद उसमें हल्दी, नमक और साथ में ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला का पाउडर ऐड करके अच्छे से फ्राई करके देन उसमें वाटर डाल देना है। वाटर आप अपने हिसाब से डाल दे। उसके बाद उसमें जो मैंने फ़िश एक फ्राई कर रखा था उनको ऐड कर दूँगी और साथ में थोड़ा ग्रीन चिली डाल दूँगी। मेरे हस्बैंड को चिल्ली उतना पसंद नहीं है, वो चिल्ली बहुत कम खाते हैं, इसलिए मैं कोई भी सब्ज़ी कुछ भी बनाती हूँ उसमें चिल्लीज थोड़ा कम ही डालती हूँ। तो फिर इस तरह से उसमें डाल के फिर उसको ढक के बॉयल आने दूँगी। फिर उसके बाद जब बॉयल आ जाएगा उसके बाद ग्रेवी अगर थोड़ी गाढ़ी होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको थोड़ा गाढ़ा होने दूँगी। उसके बाद जब लगे कि हाँ ये पक चुका है, लास्ट में थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता डाल के इसको गार्निश कर दूँगी और उसके बाद उसको उतार लेना है। तो आपका फ़िश एग करी बहुत ही सिंपल बट खाने में बहुत टेस्टी लगता है रेडी। और हाँ, इसमें मैंने अदरक का पेस्ट भी डाला था जो मैंने स्टार्टिंग में बोलना भूल गई, तो वही फ्राई करते टाइम इसमें अदरक का पेस्ट भी डालना है थोड़ा सा। और इसका बहुत सारा रेसिपीज़ है, बहुत लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, मैं इस तरह से सिंपल वे में बनाती हूँ। आप इसको प्याज, लहसुन, अदरक ये सब डाल के भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से मेरी ये रेसिपी बन जाती है एक फ़िश एग करी। और उसके बाद फिर मैं बाकी जो मेरे लंच में मैंने जो जो बनाना है मैं उन सबको बना लूँगी। और फिर मैंने कुछ दिन पहले ऑनलाइन शॉपिंग किया था, कुछ घर का सामान मंगवाया था, तो वो मुझे मिल चुका है, आ चुका है, डिलीवर हो चुका है। बहुत दिन से घर में पड़ा हुआ है क्योंकि अभी तो उसको सैनिटाइज करना पड़ता है फिर, इसलिए तुरंत तुरंत उसको ओपन ना करना ही बेटर है। कुछ दिन आप उसको रख दीजिए इस तरह से, कोई भी पार्सल आए अगर आपको देखने की कोई हरी मतलब जल्दबाजी ना हो तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद अगर आप ओपन करते हैं तो फिर अच्छा है। तो इस तरह से मेरे पास ही बहुत दिन पहले ही पार्सल आ चुका है, तो मैंने अभी तक ओपन नहीं किया था, आज मैं उसको ओपन करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखते हैं क्या क्या मैंने बाय किया है, उसका रिव्यू भी आपको दूँगी। तो मेरा फ़िश एग करी बन के रेडी है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी बना था। तो जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ वो ये है। तो ये मैंने एक नाइफ का सेट मंगवाया था पिजन ब्रांड की ओर से है। इसमें ये 3 नाइफ्स हैं, एक स्मॉल है, एक मीडियम है और एक बिग है। तो इस तरह से पैकेजिंग था इनका, ये एक साथ ही पूरा इस तरह से पैक है। इसको ओपन करने से इसमें जो ये फर्स्ट नाइफ, बड़ा वाला जो नाइफ़ है, इसको आप चिकन कटिंग या फ़िश कटिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ में जो मीडियम वाला नाइफ़ है इसको आप कुछ भी वेजिटेबल्स
जो भी जितना भी कटिंग है मेनली सब करने के लिए सेकंड वाला यूज़ कर सकते हैं। और जो छोटा वाला है सबसे, वो पीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही शार्प नाइफ्स है और बहुत ही मतलब मेटल बहुत अच्छा है, स्टील का बहुत हार्ड है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। आप लोग बाय कर सकते हैं। जो भी इसका प्राइस और लिंक्स वगैरह है सब मैंने शेयर कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी नाइफ्स है। और सेकंड मैंने एक और परचेज़ किया है, एक प्रेस्टीज ब्रांड की ओर से हांडी। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये इस तरह से पैकेजिंग में आया है, कोई भी कार्डबोर्ड पैकेजिंग नहीं है, अंदर जो इसका बॉक्स का कार्डबोर्ड है बस वही पैकेज है, बाहर से इस तरह से प्लास्टिक रैप में है। चलिए इसको फिर ओपन कर लेते हैं। और इसमें मैंने एक हांडी मंगवाया है क्योंकि मुझे बिरयानी बहुत अच्छा लगता है और खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है बिरयानी खाना। सो मैं इतने दिनों से बिरयानी या तो कढ़ाई में बना रही थी या फिर कोई भी बड़ा सा सॉस पैन उसमें बना रही थी, तो सोचा कि चलो जब इतना ही पसंद है बिरयानी खाना और बनाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो सोचा कि चलो फिर एक हांडी ख़रीद लेते हैं। इसमें बिरयानी बनाना बहुत इजी रहता है और बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने फिर ऑनलाइन ये प्रेस्टीज का मुझे दिखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको फिर ऑर्डर कर लिया। बहुत ही देखने में बहुत सुंदर है, कैपेसिटी 4 लीटर की है तो अच्छी खासी बड़ी है। सारे जो स्पेसिफिकेशंस है सारा इसमें बॉक्स में मेंशन कर रखा है और इसका जो मैन्युफैक्चर डेट है ये भी रिसेंट का ही है। तो मैंने इसको फिर बाय कर लिया। कभी अगर मैं बिरयानी बनाऊंगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो फिर इसको मैंने मंगवा लिया। तो देखिए इसको मैं ओपन कर रही हूँ, अंदर से बहुत सुंदर है ये। जब मैंने इसको ओपन किया, जब मैंने देखा अंदर देख के तो मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब इतनी अच्छी सुंदर और साथ में इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। और कहीं से भी कोई थोड़ा सा भी डैमेज या कुछ वैसा नहीं था कि कहीं से कुछ डैमेज है या कुछ दबा हुआ है, इस तरह का कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छा पैकेजिंग, मतलब पैकेजिंग तो नॉर्मल ही है, मतलब एकदम अच्छे से आया है। अंदर साथ में ये वारंटी कार्ड्स है, साथ में ये एक वॉश करने के लिए दे रखा है। हम लोगों को कोई भी अगर नॉन स्टिक का चीज़ है उसको उन सबसे, मतलब इन ऐसे प्लास्टिक के चीज़ों से वॉश करना चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड किया हुआ है। देखिए हांडी कितनी अच्छी है, अंदर कौन मतलब स्पेस कितना ज़्यादा है, अच्छे से आप आराम से बहुत, मतलब 4-5 लोगों के लिए तो आराम से बना ही ले सकते हैं इसमें बिरयानी। और इसका लुक जो है कितना सुंदर है, मुझे तो ये बहुत 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 पसंद आया, बहुत ही सुंदर है। और क्वालिटी तो इसकी बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है, हैवी भी है। तो यही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो आप लोग बताइए कमेंट करके आपको कैसा लगा ये हांडी। और जो भी बाय लिंक्स है सब मैंने शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर लीजिए, जिससे कि जो भी मेरे नए वीडियोस डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अभी शाम हो चुकी है तो मैं शाम का चाय बना के अभी शाम का चाय पियेंगे। तो फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और सब लोग अपना ख्याल रखिएगा।